बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 12, सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सरसाइज 12.3। ए वर्टिकल पोल इज 8 डेसीमीटर हाई एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 6 मीटर। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट? एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना एट दैट मोमेंट। जी, ए वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई, एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट है 8 मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 6 मीटर। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट? आपने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है एट द, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट? भाई देखें, ए वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 6 मीटर। What is the angle of elevation of the sun at that moment? आपने angle of elevation निकाला, ये 8 मीटर है, ये 6 मीटर है, बट इन द एंगल अल्फा जी। तो भाई इधर देखिएगा, आपने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, 8 मीटर पोल है, उसका लेंथ ऑफ शेडो क्या है हमारे पास 6 मीटर है जी। भाई यहाँ से जब शेडो, जब यहाँ पे वो लाइट पड़ेगी तो इसका शेडो यहाँ तक आएगा जी। तो आपने ये 6 मीटर है, आपने उसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला है। लेट अगेन, ए वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई, एक वर्टिकल पोल है 8 मीटर हाई एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर, इसकी लेंथ ऑफ शेडो 6 मीटर है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन? आपने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन निकालना है एट दैट मोमेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन निकालना है एट दैट मोमेंट, नो प्रॉब्लम। लेट बी सी बी द वर्टिकल पोल, बी सी वर्टिकल पोल है, हाइट कितनी है दी 8 मीटर जी, और भैया बी सी हमारे पास है, हमारे पास 8 मीटर जी। हेयर ए सी बी दी लेंथ ऑफ शेडो, भैया ए सी का लेंथ ऑफ शेडो और ए सी हमारे पास 6 मीटर। लेट अल्फा बी दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, अल्फा क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन? भाई टेनर अल्फा किसके बराबर होगा? भाई परपेंडिकुलर बेस, टेनर अल्फा बराबर होगा सिर्फ ये लाइन, टेनर अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर बेस। भाई ये परपेंडिकुलर अवेलेबल, ये बेस अवेलेबल जी। आफ्टर टेकिंग इनवर्स अल्फा निकलेगा 53 डिग्री एंड 8 मिनट्स। सो एलिवेशन ऑफ द सन इज 53 डिग्री एंड 8 मिनट्स, इनके अल्फा हमारे पास होगा 53 डिग्री एंड 8 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 2, ए मैन 18 डेसीमीटर टॉल, एक आदमी है जिसकी 18 डेसीमीटर टॉल है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। भैया डेसीमीटर में या मीटर में आएगी? फ्रॉम द मैन इज 32 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? आपने हाइट ऑफ द ट्री निकाल दी, भाई हाइट ऑफ द ट्री निकाल दी। भाई ए मैन 18 डेसीमीटर टॉल, एक आदमी है जिसकी हाइट 18 डेसीमीटर टॉल। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द मैन इज 32 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? आपने हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, व्हाट हाइट ऑफ द ट्री निकालना, नो प्रॉब्लम। हेयर ए डी बी दी मैन एंड ए डी हमारे पास है 18 डेसीमीटर, उसको भैया जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 मीटर बन जाएगा जी। ए डी बी दी मैन, आदमी को भैया ए डी से शो किया, वो 18 डेसीमीटर है, उसको भैया जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 मीटर बन जाएगा जी। भाई जरा देखिएगा, एच बी दी हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री बी ई, भैया बी ई जो है हाइट ऑफ द ट्री है, इसकी हाइट एच है जी। ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन बी ई लाइन, भैया ए से आप बी ई लाइन के ऊपर पेंट को ड्रा करें जी, और भैया एंगल जो है ना हमारे पास वो क्या 32 डिग्री, सी ए बी, भैया एंगल क्या 32 डिग्री, सी ई हमारे पास क्या जी भाईजन, वो भी 1.8 मीटर होगा, क्योंकि ये वाला फास्ता और ये वाला फास्ता बराबर सी। तो हाइट कितनी बराबर होगी जी? बी सी किसके बराबर होगा? एच माइनस 1.8 मीटर जी। आल्सो ए सी हमारे पास है जी डी ई के बराबर, भाई ए सी और डी ई हमारे पास है 12 मीटर जी। अब बजंदा देखिएगा, ये आदमी था, इसकी 18 डेसीमीटर थी या उसको 1.8 मीटर कह दी। यहाँ से भाई आदमी ट्री को देखा, इसकी हाइट हमारे पास के 8 थी, इसकी हाइट के 8 थी, तो भैया ये वाला फासला कितना 12 मीटर थी, ये भी 12 मीटर है जी। तो भैया अगर ये 1.8 है तो ये भी 1.8 होगा जी। तो भाई अगर टोटल एच है तो ये क्या होगा, एच माइनस 1.8, भाई यहाँ का 32 है और ये 12 मीटर, ये 12 मीटर। नाउ देखें परपेंडिकुलर ऑफ बेस, नो वी हैव ए सी एंड बी, ए सी एंड बी, भाई परपेंडिकुलर बेस करेंगे तो क्या होगा जी,
परपेंडिकुलर बेस करेंगे तो क्या होगा, तीन एच भाई परपेंडिकुलर बेस करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी भाई टेन एट क्या होगा परपेंडिकुलर बेस, नो बी सी इज अवेलेबल, ए सी इज अवेलेबल, वी हैव दिस, वी क्रॉस करेंगे भाई एच बराबर होगा 1.8 इज इक्वल 12 इंटू 0.6 भाई जान देखें एच माइनस 1.8 इज इक्वल 12 इंटू 10 10 and 32 वी कैलकुलेट एंड एच इज 9.3 मीटर जी, सो हाइट ऑफ द ट्री इज 9.3 मीटर अप्रोक्सीमेटली भाई, हाइट ऑफ द ट्री कितनी है 9.3 मीटर है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 3, एट द टॉप ऑफ ए क्लिफ 80 मीटर हाई, एट द टॉप ऑफ ए क्लिफ 80 मीटर हाई, एक टॉप ऑफ ए क्लिफ है जिसकी 80 मीटर हाई है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट इज 12 डिग्री, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट इज 12 डिग्री, हो फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ, भैया बोट का और क्लिफ के दरमियान कितना फास्ट है, हो फार कितनी दूर है इज द बोट फ्रॉम क्लिफ से जी। भजन एक टॉप ऑफ ए क्लिफ है जिसकी 80 मीटर हाई है, वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट कितनी है 12 डिग्री, हो फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ भाई उसका कितना फासला आपने निकालना है, वी हैव ए बी सी, लेट बी बी द टॉप ऑफ द क्लिफ, बी जो है ना टॉप ऑफ द क्लिफ है, हेयर बी सी हमारे पास है 80 मीटर, लेट ए बी द बोट एट ए डिस्टेंस एक्स, भैया उसका डिस्टेंस कितना एक्स है फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ, फ्रॉम द बोट ऑफ द क्लिफ भाई ये फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ से कितना फास्ट है जी, वो एक्स फास्ट है जी, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास है एंगल एम डी बी ए इज 12 डिग्री, सो एंगल सी ए बी क्या होगा जी, वो भी हमारे पास 12 डिग्री होगा जी। अब जरा देखिए भाई ये वाला एंगल 12 है तो भैया ये भी 12 होगा, ये वाला फास्ट हम निकालना है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारे पास क्या है जी 80 मीटर जी। नाउ आप जरा देखिए फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी भाई परपेंडिकुलर बेस करोगे तो भैया टेंजेंट क्या होगा 12 डिग्री भाई, परपेंडिकुलर बेस क्या होगा टेंजेंट 12 डिग्री, भजन परपेंडिकुलर बेस क्या होगा टेंजेंट 12 डिग्री, भजन परपेंडिकुलर बेस क्या होगा टेंजेंट 12 डिग्री, तो भजन एक्स किसके बराबर होगा जी, भाई एक्स बराबर होगा 80 ओवर 10 एंड 12, तो भाई 80 ओवर ये आएगा 0.376.37 मीटर, सो द बोट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 376.37 मीटर फ्रॉम द क्लिफ, भाई बोट कितना फासला पे है जी 376.37 फ्रॉम द क्लिफ, भाई क्लिफ से उसका फासला कितना दी 376 भाई उसका उसके फासला कितना दी 376.37, भाई जन देखें ये हमारे पास 80 मीटर है जी, ये वाला फास्ट एक्स है, ये हमारे पास 12 डिग्री है, ये एंगल 90 है, तो भाई जन देखें परपेंडिकुलर बेस क्या होगा जी टेंजेंट 12, तो भाई आप देखें टेंजेंट 12 होगा 80 ओवर एक्स, तो एक्स बराबर होगा 80 ओवर टेंजेंट 12, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 376.37 मीटर्स, इतना उसका बोर्ड का डिस्टेंस होगा, सो द बोर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 376.37 मीटर फ्रॉम द क्लिफ जी। ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, एक लैडर है लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री, भाई कितना एंगल बनाते 24 डिग्री विद द वॉल, इट्स फुट इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, फाइंड इट्स लेंथ, ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, एक लैडर है एक सीढ़ी है वो एक वॉल के साथ लगी हुई है, मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री विद द वॉल, और वॉल के साथ कितना एंगल बनाती 45 डिग्री, इट्स बोर्ड फुट इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, उसका फासला कितना 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, फाइंड इट्स लेंथ, आपने इसकी लेंथ निकाल दी, बजन वी हैव ए बी सी, ये एंगल 24 डिग्री है, ये 5 मीटर है, ये एंगल 90 डिग्री, लेट ए बी बी द लैडर, ए बी लैडर है मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री विद द वर्टिकल वॉल बी सी, बी सी वॉल के साथ, हेयर ए सी हमारे पास क्या जी 5 मीटर, अब बजन बेसिक ये है फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, भाई साइन क्या होगा एंगल के सामने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, भाई साइन होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, भाई साइन क्या होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है,
भाई एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो ए बी वी हैव ए सी ओवर साइन 45, साइन 25 भाई 5 ओवर का 0.4067। तो ए बी किसके बराबर का 12.3 meters। सो द लैडर लेंथ ऑफ द लैडर इज 12.3 meter। भाई लेंथ ऑफ द लैडर कितना है, 12.3 meter है भैया। उसकी जो लेंथ ऑफ लैडर कितनी है, 12.3 meter है। एक काइट फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 67.2 meter। एक काइट जो है ना फ्लाइंग करी एट ए हाइट ऑफ 67.2 meter इज अटैच टू ए फुली स्ट्रेस्टिंग इनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 55 degree टू दी होरिजेंटल। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकाली। भाई काइट फ्लाइंग है, एक पतंग उड़ रही है एट ए हाइट, उसकी हाइट कितनी है 67.2 meter। भाई 67.2 meter इज फुली स्ट्रेच्ड, इज अटैच टू ए फुली स्ट्रेच स्ट्रिंग, उसको एक फुल टाइट जो है ना स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है। इनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 55 degree टू दी होरिजेंटल। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकाली। भाई देखें ये हमारे पास पतंग है जी, भाई इसकी हाइट कितनी 67.2 meter। भाई एंगल कितना बांधा 55 degree। आपको ए बी चाहिए जी, भजन क्या चाहिए जी, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ए बी की लेंथ चाहिए जी। भाई नो प्रॉब्लम भैया, ये 67.2 meter हाइट पे है, एंगल कितना हमारे पास 55 degree, वी नीड ए बी लेंथ। लेट बी बी द पोजिशन ऑफ द काइट, बी जो है ना पोजिशन ऑफ द काइट है, सच दैट बी सी हमारे पास कितना 67.2 meter। हियर एंगल सी ए बी, भाई सी ए बी के ऊपर एंगल कितना बना 55 degree। वी वॉन्ट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए बी, भैया हम ए बी की लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालेंगे। भाई वी वॉन्ट टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए बी, ए बी चाहिए हमें। भाई जब फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल साइन का होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। भाई साइन का होगा परपेंडिकुलर, नो ए बी बराबर का बी सी ओवर साइन 55। प्लीज पुट द वैल्यूज एंड वी कैलकुलेट 82.036 meter। सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज वो कितने 82 meter। भाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारे पास कितने की 82 meter। भाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारे पास कितने की 82 meter। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 degree, द फ्लैग पोल कॉस्ट ए शेडो ऑफ 40 meter लेंथ लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप, हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग, हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग निकालिए। भाई व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज, भाई ये एंगल हमारे पास 30 है, ये हाइट हमने फाइंड करनी है, और इन दोनों के दरमियान फासला कितना भैया वो 40 meter। भैया कितना 40 meter। व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 degree, भाई 30 degree का एंगल हो, द फ्लैग पोल कास्ट शेड ऑफ 40 meter, भैया इसका जो शेड ऑफ 40 meter है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग, भैया हमने ये फ्लैग की भैया यहाँ से क्या निकालनी है, हाइट निकालनी, भैया ये हमारे पास 40 meter, ये हमें एच मालूम करना, ये एंगल 30 होना चाहिए। लेट एच बी द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल, भैया एच हाइट है फ्लैग पोल की बी सी। लेंथ ऑफ द शेडो क्या होगा ए सी, ये हमारे पास 40 meter है। एंगल सी ए बी, भैया सी ए बी के ऊपर एंगल, सी ए के ऊपर एंगल बन रहा 30 degree। नो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, भैया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, भाई परपेंडिकुलर बेस का होगा 10 30, भाई 10 30 का परपेंडिकुलर बेस, भाई आप देखें 10 का था परपेंडिकुलर बेस। नो वी हैव एच बराबर है 40 10 30, वैल्यूज पुट करें तो वो आएगा 23.094 अप्रोक्सीमेटली, भाई इतना मीटर जो है ना वो फासला जो है ना बनेगा जी। व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 degree, द फ्लैग पोल इज कास्ट शेडो ऑफ 40 meter लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग, आपने उसकी टॉप ऑफ द हाइट ऑफ फ्लैग निकालनी। भाई ये हमारे पास हाइट है जी, ये हमारे पास 40 meter है, ये एंगल 30 है जी। भाई परपेंडिकुलर बेस करोगे तो क्या होगा जी, 10 30 जी। भाई परपेंडिकुलर बेस करोगे 10 30 जी, तो भाई एच किसके बराबर होगा 40 अगर 10 30 जी, तो वी हैव 23.094 या 23 जो है ना मीटर अप्रोक्सीमेटली जी। भाई सिर्फ यहाँ पे याद रखें 10 होता है परपेंडिकुलर बेस, भाई 10 30 होगा परपेंडिकुलर बेस, भाई 10 होगा परपेंडिकुलर बेस। भाई ए प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव द पोस्ट 4000 meter अवे फ्रॉम एन एंटी एयरक्राफ्ट गन ऑब्जर्व दैट द गन एट एन एंगल ऑफ
डिप्रेशन 27 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन. आपने हाइट ऑफ द प्लेन निकाल दी भाई. ए प्लेन इज ए प्लेन जो है ना फ्लाइंग डायरेक्टली. भाई ए प्लेन डायरेक्टली फ्लाइंग कर रही है अबव द पोस्ट 4000 मीटर अवे फ्रॉम एंटी एयरक्राफ्ट गन. ऑब्जर्व द एंगल गन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 27 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन. आपने हाइट ऑफ द प्लेन निकाल दी. देखें लेट एच बी द हाइट ऑफ द प्लेन. ये एच इसकी हाइट ऑफ द प्लेन है. हेयर बी बी द पोजिशन ऑफ द प्लेन. भाई बी किसकी पोजिशन, ए पोजिशन ऑफ द प्लेन. एंड ए बी द पोजिशन ऑफ द पोस्ट. और ए के इसकी पोजिशन, पोजिशन ऑफ द पोस्ट जहाँ पे वो गनमैन खड़ा है. एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास गन एट ए. भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने है, 27 डिग्री. ठीक है जी. और ये किसके आप एंगल ऑफ डी बी ए. भजन ये डी बी ए कितना होगा जी, 27 डिग्री. डी बी ए कितना, 27 डिग्री. और ये किसके बराबर होगा, सी ए बी के जी, वो भी 30 डिग्री. भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस बराबर, बिकॉज ये लाइन आप ना फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी. भाई राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी. भाई जरा देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस करोगे तो भाई परपेंडिकुलर बेस करोगे तो भाई क्या होगा, 10 ऑफ 27. भाई 10 ऑफ 27 क्या होगा जी, परपेंडिकुलर बेस. 10 ऑफ 27 होगा एच ओवर 6 होगा जी. भाई 10 ऑफ 27 होगा परपेंडिकुलर बेस. भाई 10 ऑफ 27 होगा परपेंडिकुलर बेस. भाई 10 ऑफ 27 होगा परपेंडिकुलर बेस. तो भाई वी हैव मल्टीप्लाई करें तो एच निकलेगा 3057.15 मीटर. भाई अप्रोक्सीमेटली इतना 3057 मीटर हाइट पे वो जाना प्लेन होगा जी. वंस अगेन आई रिपीट, भाई ए प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव द पोस्ट 4000 मीटर अवे फ्रॉम एन एंटी एयरक्राफ्ट गन. भाई यहाँ पे पोस्ट है जहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है. तो भैया इनका दरमियान फासला कितना भजन, 4000 जी. भजन कितना फासला जी, 4000 जी. जी ए प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव द पोस्ट 6000 मीटर अवे फ्रॉम एंटी एयरक्राफ्ट. सॉरी ये 6000 है, 4000 नहीं है, वो 6000 कर लें जी. यहाँ पे 6000 मीटर है जी. भाई यहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे एक भैया प्लेन है जी. ठीक है जी. यहाँ पे प्लेन वाला भैया एंटी एयरक्राफ्ट गन को देखता जी. ऑब्जर्व द गन एट एंगल ऑफ डिप्रेशन. उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन भैया कितना है, 27 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन. भजन फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन. आपने प्लेन की हाइट निकाल ली. भाई यहाँ पे एंटी जो है ना वो प्लेन है, यहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट गन है. यहाँ से भैया उसने उसको देखा, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना जी, 27 डिग्री. तो ये फासला इनका दरमियान कितना, 6000 मीटर जी. यहाँ से भैया आपने इसकी हाइट ऑफ द प्लेन निकाल ली. तो भाई इधर देखें आप, लेट एच बी द हाइट ऑफ द प्लेन. एच उसकी हाइट है. एंड बी बी द पोजिशन ऑफ द प्लेन. बी पोजिशन ऑफ द प्लेन है. एंड ए बी द पोजिशन ऑफ द पोस्ट या जहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है. तो भाई आप देखें ये डी बी ए एंगल ऑफ डिप्रेशन एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द गन एट पोस्ट ए वो क्या बनेगा, एंगल डी बी ए. भजन वो क्या 27 डिग्री. भजन का देखिएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनेगा, डी बी ए इज इक्वल टू 27. डी बी ए 27 डिग्री. सो सिमिलरली सी ए बी कितना होगा, भी 27 होगा जी. अब भैया राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर बेस. भाई परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, 10 ऑफ 27 जी. भजन परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, 10 ऑफ 27 जी. भजन परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, 10 तो एच ओवर 6000. 10 ऑफ 27 तो एच हमारे पास होगा 3057.15 मीटर जी. सो हाइट ऑफ द प्लेन इस कितना होगा जी, 3057 मीटर अप्रोक्सीमेटली. भजन ए मैन ऑन द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई लाइट पोल लाइट हाउस इज इन लाइन विद टू शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द मैन आर 17 डिग्री एंड 19 डिग्री रिस्पेक्टिवली. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स. आपने डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स निकालना चाहिए. भजन जगह देखेगा ए मैन ऑन द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई लाइट हाउस. एक लाइट हाउस है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है जी, 100 मीटर जी.
इज इन द लाइन विद द टू शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, भैया इस तरफ दो शिप्स हैं जी, दो शिप्स हैं जी, ठीक है जी, हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द मैन आर 17 डिग्री एंड 19 डिग्रीज पर व्यू, भाई इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का 19 डिग्री है और एक का 17 डिग्री है जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, आपने इनके दरमियान फासला निकालना है, इनके दरमियान का निकालना है जी, भाई लेट बी बी द टॉप ऑफ ए लाइट पोल लाइट हाउस ए बी, भाई ए बी एक लाइट हाउस है, ठीक है, इसका बी इसका टॉप है, दैट इज ए बी बराबर है हमारे पास 1000 मीटर जी, सपोज सी एंड डी बी टू शिप्स, भैया सी और डी दो शिप्स हैं, एट अ डिस्टेंस एक्स वन एंड डिस्टेंस एक्स टू फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस, भाई यहाँ से यहाँ तक फास्ट एक्स वन है, यहाँ से यहाँ तक एक्स टू है जी, ठीक है जी, तो सो ए सी किसके बराबर होगा एक्स वन के, और भाई जन ए डी किसके बराबर होगा एक्स टू के जी, तो भाई अगर मैं एंगल ए डी बी, भाई ए डी और बी, ए डी बी हमारे पास क्या जी, ए डी बी हमारे पास है, ए डी बी हमारे पास है 17 डिग्री और ए सी बी हमारे पास है जी भाई 19 डिग्री, भाई जरा देखिएगा अगर ये 17 है तो भैया ये भी 17 होगा, ये 19 तो ये भी 19 होगा, क्योंकि ये लाइन आपस में पैरेलल है। नाउ अब जरा देखें हमें चाहिए सी डी के दरमियान फासला और वो होगा एक्स टू मनफी एक्स वन, नाउ 10 और 19 भाई इस फिगर से देखें परपेंडिकुलर ऑफ ए बेस, परपेंडिकुलर बेस करेंगे भजन, परपेंडिकुलर बेस करेंगे तो क्या होगा 10 और 19 भजन, 10 और 19 को परपेंडिकुलर बेस, तो वी हैव एक्स वन बराबर होगा 100/0.3443 भाई यहाँ से एक्स वन निकाल लेते हैं, तो भजन एक्स वन आपका निकला 290.42 मीटर जी, नो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, दूसरी फिगर से टेंजेंट क्या होगा परपेंडिकुलर बेस, भाई टेंजेंट का ऊपर पेंडिकुलर बेस, तो एक्स टू यहाँ से निकलेगा आफ्टर कैलकुलेशन 327.09 जी, भाई एक्स टू भी निकला है एक्स वन भी निकला है, सो द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स सी एंड डी इज वो क्या होगा एक्स टू मनफी एक्स वन, भाई एक्स टू मनफी एक्स वन जी, वी हैव 36.67 भाई इनके दरमियान जो फासला होगा 36 मीटर अप्रोक्सीमेटली फासला होगा, भाई दोनों शिप्स के दरमियान जो फासला होगा वो कितना होगा 36 है, भाई दोनों शिप्स के दरमियान जो फासला होगा वो कितना होगा 36 है। क्वेश्चन नंबर 9, पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स इन अ लाइन, भाई पी और क्यू दो पॉइंट इन लाइन ऑफ विद अ ट्री, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 30 मीटर, दोनों के दरमियान फासला के 30 मीटर एंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री आर एट पी एंड क्यू बी 12 डिग्री एंड 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपने हाइट ऑफ द ट्री निकाल ली जी, भाई जन जरा मैं वापसी पे चलता हूँ, रिपीट करता हूँ, पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं इन अ लाइन विद द ट्री, एक ट्री वाली लाइन में दो पॉइंट्स हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू बी 30 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री एट पी एंड क्यू बी 12 डिग्री एंड 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपने हाइट ऑफ द ट्री निकाल ली भाई, आपने हाइट ऑफ द ट्री निकाल ली जी, भजन जरा देखिएगा गौर से, भजन ये हमारे पास हेयर पी एंड क्यू बी टू पॉइंट्स सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू, भैया एक पॉइंट पी है एक पॉइंट क्यू है, इनके दरमियान फासला कितना है 30, सपोज ए पी, ए से पी तक का फासला हमारे पास है भजन एक्स, देन भैया सी से ए से क्यू फासला क्या होगा एक्स माइनस 30, भाई एक्स टोटल एक्स है ना भाई, टोटल एक्स है ये 30 है तो भैया क्या होगा एक्स माइनस 30, भाई टोटल एक्स आपने सपोज किया ये 30 है तो भैया ये क्या होगा एक्स माइनस 30 जी, भजन देखें एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी बनेगा भैया 12 डिग्री और भैया ए पी बी बनेगा 15 डिग्री, लेट एच बी द हाइट ऑफ द ट्री, ए बी बी हाइट ऑफ द ट्री, ए बी ट्री है जी फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए पी बी, भजन आपने ट्राइंगल लीजिए ए पी और बी जी, भाई आपको पता टेन का अपर पैन टेन 15 का अपर पैंडिकुलर बेस ही, भाई पर पैंडिकुलर बेस ही, भाई आप जरा देखें आपका जो होगा ना भजन टेन का अपर पैंडिकुलर बेस, तो भाई यहाँ से आपने एक्स कैलकुलेट कर लिया वो निकला 3.732 एच, अब भैया फ्रॉम राइट एंगल ए क्यू बी, भजन ए क्यू बी, तो भजन जरा देखिएगा फ्रॉम राइट एंगल फ्रॉम राइट ट्राइंगल ए क्यू बी, तो भैया 10 और 12 क्या होगा जी, भाई जन 10 और 12 क्या होगा जी, आपका होगा परपेंडिकुलर बेस, भाई जन यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस कर लो ना, भाई परपेंडिकुलर बेस करोगे 10 और 12 आएगा जी, तो वी हैव
भाई एच इज इक्वल टू इसके बराबर निकलेगा। फिर भाई जन आप यहाँ से एच की वैल्यू जो निकलेगी ना भाई जन, वो आपके पास ये निकलेगा, ठीक है जी। भाई एच को एक तरफ लेके बाकी सारा सिंप्लीफाई किया जी, ठीक है जी। तो हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन भाई एच निकलेगा माइनस 30.8, एच होगा 30.8 निगलेक्टिंग नेगेटिव साइन। सो हाइट ऑफ द ट्री इज 30.8 मीटर जी, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा 30.8 मीटर। वंस अगेन आई रिपीट भजन, देखें पी एंड क्यू बी टू पॉइंट्स इन अ लाइन, भैया पी और क्यू दो पॉइंट्स इन अ लाइन विद द ट्री। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज, भैया इन दोनों के दरमियान फासला है 30 मीटर, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री एट पी एंड क्यू बी 12 डिग्री एंड 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली, भाई उसके एंगल ऑफ एलिवेशन भैया कितना है 12 डिग्री एंड 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपने हाइट ऑफ द ट्री निकाल दी है भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री निकाल लीजिए भाई। जनता देखें ये वाला फासला कितना 30 जी, तो भैया ये टोटल आपने एक्सपोज कर लिया, तो ये क्या होगा एक्स माइनस 30। अब भाई जन ये एंगल हमारे पास 15 है और इसके एंगल का 12 है, तो आपने क्या निकालना है भाई जन, फाइंड द हाइट ऑफ द, हमें एच चाहिए जी। तो भैया एक दफ़ा आपने इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ किया, एक दफ़ा इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ किया और भैया हल करके आपने भैया वो एच निकाल दिया जी। भजन टू मैन आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए 100 मीटर हाई टावर जी, भाई टू मैन हैं आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 100 मीटर हाई टावर जी, भैया टू मैन आर ऑन द अपोजिट साइड, एक टावर है 100 उसके अपोजिट साइड, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ जी। इफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर 18 डिग्री एंड 22 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, आप उनके दरमियान फासला निकालना। भाई जिन हमारे पास टावर है इसकी हाइट क्या है 100 मीटर जी, एक भैया आदमी ए है एक आदमी सी है जी, ठीक है जी। टावर को हमने बी डी से शो किया, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 18 डिग्री, इसका एंगल हमारे पास है 22 डिग्री। भाई ये वाला फास्ट एक्स वन है और ये वाला फास्ट एक्स टू, हमें एक्स वन प्लस एक्स टू चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेट ए एंड सी बी द पोजिशन ऑफ टू मैन, भाई ए और सी दो पोजिशन है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ टावर बी डी, बी डी एक टावर है ऑफ हाइट हमारे पास है 100 मीटर, दैट इज बी डी हमारे पास कितना होगा 100 मीटर। लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी द डिस्टेंस ऑफ द मैन एट ए एंड सी, भाई ए और सी क्या है उनके दरमियान फासला कितना जी एक्स वन एक्स टू। ए डी आपने फर्ज कर दिया भैया एक्स वन एच और भैया डी सी किसके बराबर होगा एक्स टू के जी। अब जरा देखें हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ए डी बी, ए डी बी और एक भाई जन क्या है सी डी बी जी, सी डी बी भाई एक ए डी बी है और एक सी डी बी है, ये हमारे पास 100 है ये एक्स वन है, ये भैया 100 है ये एक्स टू है, ये एंगल 18 है ये एंगल कितना है 22 डिग्री गिवन है भाई जन। नो भाई जन देखें 10/18 क्या होगा जी, भैया 10/18 होगा डी बी परपेंडिकुलर बेस, भजन आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेना ए डी बी, तो भैया परपेंडिकुलर बेस नो 100 ओवर एक्स वन, तो भैया 100 ओवर एक्स वन, एक्स वन हमारे पास जो निकलेगा आफ्टर कैलकुलेशन 307.77 जी, भैया एक्स वन निकलेगा 307.77 मीटर जी, अगेन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल सी डी बी, भजन क्या होगा 10/22 क्या होगा जी परपेंडिकुलर बेस, तो भाई एक्स टू किसके बराबर निकलेगा 100 ओवर 0.404 जी, वी गेट 247.51 मीटर जी। सो द डिस्टेंस बिटवीन द मैन टू बिटवीन द मैन इज वो एक्स वन प्लस एक्स टू होगा जी, दोनों को जमा कर देगा तो भैया 555.28 मीटर जी, भाई उनके दरमियान जो फासला होगा 555.28 मीटर जी।